Oh, Father.
एक बार जोरदार तालियां बीएन कॉलेज और हमारे रतन लॉ एकेडमी के लड़कियों के लिए, मेगा डांस के लिए. थैंक यू वेरी मच. आफ्टर दिस ब्रीफ स्पीच बाय जनरल सेक्रेटरी अंशु आची गोरा रिका, प्लीज आप आइए. एक बार जोरदार तालियां. Very, very good morning to one and all. Most respected today's chief guest, Achi Mama Natung, Honorable Minister, Forest, Environment, WRD, Government of Arunachal Pradesh, guest of honor, Achi Kamsi Sidisho, Honorable MLA, come advisor forest environment government of Arunachal Pradesh, Achi Tame Pasang, former president All Nisi Students Union, is now happened to be a mayor of first mayor of this capital Itanagar, former general secretary Achi Pani Arjun, former general secretary Achi Nyanya Golo, family members of late Thai Tatar Tichi, family members of all the former general president and general secretary of ANSU, president of All Nisi Students Union, Mr. Nabam Dodum, all the central executive members of ANSU, today's special invitees, our friends of community-based students organization, President General Secretary of Apatani Students Union, President General Secretary of Mompa Students Union, President General Secretary of Wangchu Students Union, General Secretary of Thai Kamti Singpo Students Union, and all the executive members of community-based students organization, my dear branch student student president general secretary, district student student president general secretary, all the students friends, media friends, today we come over here, and all the co-founders of capital Itanagar. Actually aaj 40 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोग 1982 का 28 जनवरी को ANSU फॉर्म हुआ है. आज हम लोग जितना भी फॉर्मर लीडर्स 1982 से लेके अभी तक जो 2021 तक लीडर्स को हम लोग याद करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया है, जो समाज के लिए जो सोसाइटी के लिए सेक्रीफाइस करके आया है. हमारा ANSU 1982 से लेके अभी तक सोसाइटी के लिए अपना कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहा है, वो जितना भी जो काम किया है उसको हम लोग याद करने के लिए आज हम लोग फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कर रहा है. ये समाज में हम लोग का ANSU जो है बहुत सारा चेंजेस है, चाइल्ड मैरिज को लेके, रिवेंज सिस्टम को लेके, इवन जो सोसाइटी में जो होता है प्रैक्टिस उसको लेके काफ़ी हम लोग अवेयरनेस करके आया है ANSU. ANSU जो है एक एजुकेशन इकोनॉमिक सोशल अपलिवमेंट के लिए निशी के लिए काम करके आया है, वो समाज में अब सक्सेस हुआ भी है. हमारा लीडर यहाँ है आज. तो आज हम लोग का जो 40 फाउंडेशन डे में हम लोग का खास तौर से हम लोग का फॉर्मर लीडर्स को इन्वाइट किया, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन को और इनवाइट किया. हम लोग ANSU जो है एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना कम्युनिटी के लिए बात करता है, इसीलिए आज हम लोग ये पान अरुणाचल जो अभी हम लोग का टीम ANSU अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नाभम गौतम एंड माई टीम, मेरा एग्जीक्यूटिव जितना भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स का थॉट है कि हम लोग कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते हुए, पान अरुणाचल का तोत को मेंटेन करते हुए हम लोग आज
कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इन्वाइट किया है, हम लोग याद किया है हिमांशु का तरफ से, और सभी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आया है, थैंक यू वेरी मच हमारा। हम लोग मिलके अरुणाचल को साथों साथ में हम लोग गवर्नमेंट को साथ देना है, मिलके हम लोग का यूनिटी इंटीग्रिटी होके हम लोग मिलके साथ देना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है। हम लोग आपस में कम्युनल जो हमारा सोशल मीडिया में जो चलता है उसको हम लोग मिलके ख़त्म करना है। आप पता नहीं, आप तागिन, आप गालो, आप मम्पा, ये जो है सोशल मीडिया में खासतौर से अरुणाचल में चल रहा है तो उसी को हम लोग ख़त्म करना है। हाँ, हम एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट के लिए हर प्लेटफॉर्म में बोलेगा, लेकिन हम लोग अरुणाचल को भी मिलके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को मिलके रहना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, हम लोग आपस में इंटरेक्शन रहना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग का फाउंडेशन डे में आप लोग सबको इन्वाइट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और आज जो कोविड का चलते है, हम लोग इतना या में स्टूडेंट्स को इन्वाइट नहीं किया है, हम लोग का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन और ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन को सिर्फ इन्वाइट किया है। तो हम लोग का मोटिव यही है, आज हम लोग का 40 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन जो आज आंसू ऑफिस में कर रहा है, तो यही है मोटिव। और यहाँ उतना नहीं बोलेगा, यही है। और यहाँ हम लोग का जो मिनिस्टर्स, हम लोग का बड़ा भैया आज दोनों आया है, और अपना कैपिटल का मायोर भी, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है। तो हम लोग यह टीम जो है, इस बार का टीम जो है, हम लोग ऑफिस को हम लोग इस बार हम लोग बना के जाएगा, तो इसमें आप लोग खासतौर से जितना प्रमोर है वो हम लोग को साथ देना पड़ेगा। तो जितना भी ये ऑफिस है, हमेशा डैमेज होता है इलेक्शन में, इस बार भी हो गया, फिर भी अभी हम लोग थोड़ा शुरू नहीं किया, लेट से शुरू कर रहा है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेगा, तो आप लोग प्रमोर लीडर्स लोग जितना भी है आया है, आप लोग साथ देना है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार तालियां हमारा जनरल सेक्रेटरी अच्छी घोरा रिकाम के लिए। आफ्टर दिस मे आई वांट टू इनवाइट अच्छी तमे पासन फॉर्मर प्रेसिडेंट आंशु, आप आइए और आपकी ओर से भी दो शब्द आप भी इस फाउंडेशन डे में आप भी रख दीजिएगा प्लीज। अच्छी तमे पासन के लिए एक बार जोरदार तालियां। हेलो वॉलेंटियर इसी लो, निशी स्टूडेंट यूनियन के 40वां स्थापना दिवस में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री जी श्री मामानतम और अपने ही विभाग का बहुत ही डायनामिक एक नेता है हमारा, जो बोरागांव त्रिजिनों से आता है, उस अपना ही विभाग का सलाहकार है कुमसी जी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज का जो इतना बड़ा आयोजन का बात दौर को जो संभाल रहा है, क्षमा चाहूंगा सबका नाम नहीं ले पाएगा। तो खास करके मेरा साथी लोग जो पहले इस संगठन को बनाने में जिसने अपना समय दिया, अपना एनर्जी दिया, हमारा बीच सब लोग है, कहीं कोई लोग नहीं आ पाया पता नहीं, और पीछे हमारा कॉरपोरेटर बंधु लोग जो है नया नवेली चुन के आया, फिर खास करके बाकी अनेक अलग अलग जनजाति को जो अपना अखिल विद्यार्थी संघ से जो और अपना अपना यूनियन अपना अपना जनजाति को जो प्रस्तुत करता है हमारा प्रदेश में, हमारा ईटानगर को छोड़ के, निशी को छोड़ के तवांग से लेके लॉन्डिंग तक पता चला है सब आया, ये अपना आप को
नाबुम जी और रिकम जी का नेतागिरी का एक बड़ापन को, एक अच्छाई को दर्शाता है। मैं दोनों को तहे दिल से मैं शाबाशी देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम बनाया। बोलना बहुत कुछ चाहता था लेकिन लफ्जे अभी मुझे सहयोग नहीं कर रहा है, वो क्योंकि दोनों का प्रोग्राम में एक ऐसा फिर अच्छा लगा, पता नहीं ये कल्चरल सेक्रेटरी कौन है, उन्होंने किया ना प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब ने किया, एक जो मेगा डांस का प्रस्तुति किया है वो सारा भाषण दोनों सारा का मैसेज को, मुझे लगता है कि ये जो नृत्य कला सुबह जो पेश किया उसमें दोनों दिल का बात को कलेजा को फाड़ के निकल दिया। सबसे पहला दो पंक्ति में ये बोला कि हम नीसी हैं, ये है वो है, उसका बात सारा अरुणाचल को घसीटा, फिर पूरा देश को समीट के ले गया। पता नहीं बाकी को कैसा लगा लेकिन मुझे तो फूला ना संभाल सका, मैं एकदम दोनों का युक्त हो गया कि हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हम सारा अरुणाचली हम 50वां स्वर्ण दिवस आज मना रहे हैं। 50 ईयर्स गोल्डन जुबली हमारा नामकरण हुआ है, 50 साल का हमारा नामकरण नेफा से चल के आके अरुणाचल जहां मिला हमको, एक 50 साल का प्रोग्राम में ये 40 फाउंडेशन जो है एक अपना आप में एक अलग पहचान दिया है, एक ये स्पेशल एडिशन है सोने पे सुहागा जो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा बात, सारा देश जो सारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा देश भारत, हम अभी 73 रिपब्लिक डे कल को मनाया, अभी हम मोदी जी का नेतृत्व में 75 ईयर्स ऑफ हम लोग अभी इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है 15 अगस्त में, उसमें एक मैसेज दिया कि सारा देश में एक अमृत का महोत्सव होना है करके, ये इससे जुड़ा हुआ है प्रोग्राम से, खुशी का पूर्ति का देश का कंट्री का और हमारा निसी समाज का और सबको समेटना है बोल के आज का ये खास करके स्थापना दिवस तो भाषणबाजी काम फुर्तीबाजी ज्यादा होना है। हम फुर्तीबाजी करके भी दोस्तों हम मेरा अतीत को नहीं भूलना है, हमारा रीति रिवाज को नहीं भूलना है, हम कौन है, कहां से आता है, किस जनजाति से आता है, दोस्ती जरूर होना है, प्यार जरूर होना है, एकत्रित जरूर होना है लेकिन अपना पहचान को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो अपना पहचान को बना रहने के लिए, अपना पहचान को जानने के लिए पूरा का पूरा जो इतिहास को जानना पड़ेगा, इतिहास को जानने के लिए प्रेसिडेंट साहब नाबुम दोदम जी और रिकम जी एक यूनियन का मालिक है और एग्जीक्यूटिव का मालिक है, सेक्रेटरी ला प्रेसिडेंट आनी मोर्चा को मात्र दोनम सी सोलो सबे सके दो कम को स्थापना दिवस फाउंडेशन डे है नेम ने मुलुगा माने हो चिंगर कबोम ना फिक पे नम हम काम आ बला फिक जो फी ऑन में फिक आफी गला पा होला अतु को चिंगो चिंगबोम रिसोर्स पर्सन हिसाब अको आनी को तपेतला जेने का नॉर्मली मुलु बीजेपी लोर को ब्लॉक दो या वो आजकल तो डिजिटल है मलंग रिकॉर्ड में दूं दो पेन बॉय बंगिया तला या पा दियो बलो फिक दूं दला का हो गए थे मैं उगो गोरी तो ना है गोरी तो ना कारू कारू बम कायो पेकला अले बम रिदे बम माने सो के फाउंडेशन दो लो दे लो मेन टॉपिक हम मपे तला डमिंग तंगिया न्योम सोमिंग नरिया सीनियर जूनियर बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हम अंकम ने सोगे ने मैं नलो अले जात पा हो गए वे अरो कमरिता ने मुंगो का अमा को इनपुट जीता दबोसी से कहलो अतु को चिंगबो पाबो जाम ने रिगे बम चिंगतला दे चिंगबो को गए दला नलु है पेन बॉय हमिया दे या पा दे बंगतला हम अंसी अनमी गए दला हो काजो का मुलु फ्लेक्स सॉन्ग बिंगबो माने अतो का नीटिंग हम अतो का पुतुम हम हबर दला हिंग दे बला के ngo ba mangya do ola next time no kam bi ja lo male pa हो गम चंग दो दे वो सी के जंग आई एम हेडिंग आईएमसी बाकी मलंग अपुंग जो दिया है बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात इसलिए कि हम लोग निसी जनजाति में हम लोग अपुंग से आदमी को रेस्पेक्ट करता है और ये
विंटर भी है इसलिए बहुत अच्छा मैसेज है। पूर्ती जोश हवस गर्म होकर देखना है वो एकदम धंधा में माने ये एडोन होगा अपने रीति रिवाज भी हो रहा है और ऐसे मौसम में खा पी के भी पूर्ति करना है क्योंकि ये स्थापना दिवस है कोई बहुत बड़ा फॉर्मल सीटिंग नहीं है। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है क्योंकि हम IMC से आता है खाना पीना भी बहुत अच्छा बनाया दोनों जो है और प्रेस मिलने का काबिल है लेकिन एक छोटा सा लेप्स रह गया मुझे डस्टबिन दिखाई नहीं दिया इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये बोलने वाला बात है नियम से बोलना नहीं चाहिए क्योंकि डस्टबिन का इशू हम कहीं भी डस्टबिन दिखाई नहीं दिया। ऐसे करके हम सब युवा बंधुओं को रिक्वेस्ट है कि तरह सही जगह में सीमित करिए लीटरिंग को ऐसे करके नहीं करने का। तो मेरा मैसेज जहाँ तक आप लोगों के लिए भाई लोग के लिए है 82 में जब मैं क्लास सेवन में पढ़ रहा था 82 में जब हम 8 में पहुंचा है तो हम लोग बहुत ही एक्टिव मेंबर था लेकिन जोर शोर से जब हम लोग निशी स्टूडेंट यूनियन में भाग लिया मुझे अभी भी याद है सेपा का सीआर हॉल में जब हम लोग बिंगिया काफा जी और मैडम यात्र को जब हम लोग नेता चुना था तब जो है तब से लेके ये 40वां स्थापना दिवस ये 40 साल का ये दौर जो है मामूली नहीं है दोस्तों। यहाँ में बहुत ने अपना बलिदान दिया अपना एनर्जी दिया अपना टाइम दिया कहीं ने तो अपना जान भी दिया समाज के लिए। ऐसे करके दयात्र जी और बिंगिया काफा जी के समय से हम लोग पूरा क्लियर कोरा का घर जैसे हम लोग निशी स्टूडेंट यूनियन को देख के आया। फिर हमारा तकम संजय जी और जब आप सबको पता है जकरक को तो बहुत लोग मालूम है कितना दिन रात हमने लड़ाई लड़ा जब अकातोप जी प्रेसिडेंट था यहाँ हम लोग कमले डिस्ट्रिक्ट से कोई भी है आप सीनियर लोग होने से वो लोग मालूम होगा हम लोग अपना अपना जगह छोड़ के पूरा जीरो में कमले में सीमित हो गया। वो हमारा ग्लोरी को वो हमारा सच्चाई को हमारा अच्छाई को ढूंढने के लिए अपना भाई को ढूंढने के लिए हमारा जुरिस्डिक्शन को ढूंढने के लिए हमारा लड़ाई वहां से शुरू किया। उसके बाद आप सबको पता है आप लोगों ने एक फ्लैग सॉन्ग गाया हम शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहे हैं ये फ्लैग ये गाना जो है कहीं ना कहीं 1990 में जन्म हुआ है जब संजय दोबारा प्रेसिडेंट होके आया तब हम लोग इसको बता दिया होगा आप लोगों को तकम संजय जी हम लोग फ्लैग सॉन्ग हम लोग संजय हम लोग मिलकर घोषित किया था थोड़ा पहले जो फ्लैग सॉन्ग आया ये कई साल के बाद गाने मिला आज बहुत अच्छा लगा बहुत आनंद हुआ 1990 को ये गाना जन्म हुआ फ्लैग सॉन्ग भी उसी साल को बना। उसके बाद संजय जी का बात मुझे सिर्फ 4 महीना रह गया था मेरा टेन्योर हम लोग का 3 साल का टेन्योर होता है क्योंकि वहाँ में चुनाव में हम 1994 में चुनाव में घुस गया इसलिए 4 महीना नहीं जा पाया। मेरा सेशन शुरू हुआ ड्यूली इलेक्टेड करके 1992 से अर्ली पार्ट ऑफ 1995 तक 1992 से मुझे इलेक्शन हुआ था सेपा में। मेरे समय में तो आप लोग मालूम है छोटा बड़ा वोट हुआ लेकिन यहाँ कोई अपातानी स्टूडेंट यूनियन का होने से वो हिस्ट्रिक मूवमेंट हुआ था 1992 का क्लेश जिसको निशी स्टूडेंट यूनियन ने पीस मिशन होके उसको अपना पीस में लाया था और यूपीआई इशू को इंडिपेंडेंटली हम हेडिंग करके निशी के लिए उधर अलग से निकलना है बोल के ऐसा बहुत बात है जो आज ऐसे बता रहे पॉइंट को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है हमने ये दो नेता को मैं सोशल मीडिया में देखा बहुत ही कैपेबल है बहुत ही अच्छा है लेकिन आप दोस्त लोग को एग्जीक्यूटिव मेंबर को पब्लिक को निशी समाज को हम अपील करना चाहेगा यूनियन तो जिंदा होता है सोसाइटी चलते रहता है लेकिन खराब नहीं होता है कोई भी सोसाइटी यूनियन नेता अच्छा होना चाहिए। इस बार का नेता हम रिकम जी और हमारा गौतम जी और यंगफो वाइस प्रेसिडेंट हमने तीनों को देखा ये जीनियस लीडर है बाकी साथ देगा नहीं देगा हम लोग निशी लोग तो पूरा साथ है आप लोग देखिए निशी लोग पूरा पूरी साथ है और अगला लोग भी आपका साथ होगा लेकिन हम लोग एक स्टाइल छोड़ना पड़ेगा यहाँ से हम उठ के जाएगा तो प्लीज देखो हम तमे पसंद है हम सबसे लंबा है वो बोलने जरूरी नहीं है हम लोगों के सिर्फ एक बात को हम लोग बोलना नहीं है कि हम लोग निशी है हम लोग सबसे बड़ा जाती है हम लोग सबसे कतरा है हम लोग सबसे हीट है
हम सबसे लंबा है वो नहीं बोलने जरूर दे, क्योंकि वहां से दिखाई दे रहा है लंबा वो। अरुणाचल में निशी का ग्लोरी को, निशी का अच्छाई को, निशी का सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता है, और निशी जाति कोई हम बोलने जा रहे थे। अभी निशी जाति जो है बड़ा होने का कारण हम लोग का योगदान भी पॉजिटिविटी में बड़ा होना है दोस्तों। ईमानदारी में निशी का ग्लोरी है हम लोग का ईमानदार। निशी का ग्लोरी है कि हम लोग अच्छा दोस्त है, बाकी जाति में थोड़ा 19-20 होता होगा। निशी का साथ जब दोस्ती करो वो कभी दोस्ती को गद्दारी नहीं करता है, वो निशी जाति है। और झूठ बोलता भी है, सारा दुनिया हिंदू मुस्लिम लोग भी झूठ बोलता होगा, लेकिन हम निशी भाई थोड़ा कम झूठ बोलता है, इसलिए सबसे झूठ बोलने वाला कम में बोलते हैं, वो हम लोगों को दिखाना है। इसलिए हम लोग सबसे बड़ा जाति होने के नाते हम लोग पावर भी मांगना है, तो हम सबसे बड़ा जाति है, हमको छीनने जरूरत नहीं है, हम प्यार से लेंगे। आप बोलिए, जो प्यार भी, जो लीडर भी, जो पावर भी, छीन के लेना और प्यार से लेना में कितना अलग अलग मजा है। इसलिए जब आपका जब पीने का मजा गुर में आ जाता तो चीनी क्यों डालना है, हम भरा जाती है ऑटोमेटिक, हम प्यार मिलेंगे। इसलिए दोस्तों 100 God in 1 word मेरा अपील है, वी ऑल आर विद यू फुली। काल भी परसों भी बोलिए, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है आप लोग का साथ है, लेकिन लीडरशिप और अपना ट्रैक को मेंटेन करिए, पॉजिटिविटी को रहिए। जैसे अन्य लोग को बुलाया आप लोग भी निशी से सीखना है, वो हम नहीं बोलता है, क्योंकि निशी जो है कैपिटल में बसा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग बाहर से आएगा, लोंगडिंग से, तवांग से, तिरप से आएगा, तो दोस्ती यारी करना है, एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ स्टेट को आगे बढ़ाना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है। हम तो बुरा नहीं मानेगा पॉलिटिकली, हम बीजेपी से आता है, इसलिए हम लोग तो सबको प्यार करता है, सबको दोस्त करता है। तो अल्टीमेट फाइनली हम एक छोटा सा रिमार्क ऑफिस के लिए बोला है, पता नहीं है ये मेरा निजी टिप्पणी है, गलत भी हो सकता है भाई लोग, हम लोग आज डिजिटल एज में चल रहे हैं, 2022 में खड़ा है अभी, वो मेरा 1992 नहीं है। इसलिए हमको लग रहा है आप लोग का ये ऑफिस जो है, हमने पहले भी बता दिया, प्रेसिडेंट तो तकम संजय जी था, लेकिन ये सारा ऑफिस, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट मेरा लीडरशिप में हुआ। आप किसी को भी प्लीज पूछिए, वेल रिकॉर्ड कर, ये सारा बहुत बड़ा जंगल था। हम लोग रात पर उस समय डोनेशन करने जरूरी नहीं होता है, अंशु प्रोग्राम बना रहा है बोलने से हजार हजार कुंटल मीट, खाना पीना सूर मिठुन पूरा आता था। ये सारा जंगल होके हम लोग रात बरवा में तालंग और हीरा जी को, तालंग को तो हम यहाँ से डेड बॉडी से लेके किमिन में मेरा नेतृत्व में सारा प्रोग्राम मैंने किया था। अब किसी को भी पूछिए अभी, तो ऐसा करके तालंग जी को तो वो उसका लीवर में हार्ट होके मरा था, लेकिन वो हमारा हीरा भाई जो है उसको पूरा माथा टूट, पूरा सर को कुचल दिया था ट्रक से, और पूरा ब्रेन निकल के रख के इसी का ऊपर हम लोग वो मोनूमेंट खड़ा किया था। आई डोंट नो वेयर नाउ, इधर ऊपर शिफ्ट किया, नीचे में हम लोग मोनूमेंट खड़ा किया दिन रात। तब हम कॉलेज का जीएस था, संजय प्रेसिडेंट था, हमने बार बार मीटिंग किया, संजय विजय हम लोग तीनों दिन रात प्रोग्राम बना के हम लोग मोनूमेंट खड़ा किया। बाद में जब सरकार शिफ्ट हुआ वो अलग हुआ, तो ये एरिया जो है हम लोग का उस समय का तकलीफ करके बना के रखा वाला, खास करके ये दो आदमी जो बलिदान दिया है हमारा समाज के लिए। हमको ऐसे लग रहा है अगर आप ऑफिस बनाना है तो एक साल के लिए, दो साल के लिए, 10 साल के लिए मत सोचिए। हम लोग अभी बोलते हैं टीम ईटानगर, हमारा मेयर का साथ डिप्टी मेयर कॉर्पोरेटर लोग हैं, हम लोग को थोड़ा दिव्य दृष्टि होना चाहिए दोस्तों, अगला 50 साल के लिए सोचना चाहिए। तो 50 साल के लिए बोले तो निशी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस को हम ऐसे लग रहा है हम लोग आएगा जाएगा, लेकिन निशी स्टूडेंट यूनियन कभी भी खत्म नहीं होगा और हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये ऑफिस क्योंकि एकदम मिड ऑफ द सिटी में ये एरिया खड़ा है, इस एरिया को हम लोग रुपया पैसा डालने जरूरत नहीं है। नाबम भाई और रिकम भाई को हम बोलेगा आप दोनों पॉलिसी सही करो, सिर्फ दिमाग लगाइए,
इसको सारा चीज को अच्छा से वर्कआउट करके सही आर्किटेक्चर लेके सही एकदम माने परफेक्ट सिस्टम लेना है। हम लोग सरकार का साथ मिलके अपना कॉरपोरेशन से 100% सहयोग करेगा। हम लोग इसको टोटली एकदम अच्छा से प्रोग्राम बना के आर्किटेक्चर इंजीनियर सारा लगा के इसको लेंथ ब्रेथ को अच्छा से वर्कआउट करके इसको हम लोग जो है बहुत बड़ा एक तो मॉल बनाना है। बिजनेस वाला जो है 1000 आदमी फाइनेंस होने करने वाला खड़ा हो जाएगा। अब बिजनेस सेंटर ऐसे सेंटर बना दीजिए जहाँ में आपका कार्यालय होगा, अंशु ऑफिस तो सबसे बड़ा होगा, बहुत बड़ा फ्रंट एलिवेशन अंशु ऑफिस लगा के आपको जन्म जन्म तक अंशु को किसी को डोनेशन मांगने जरूरत नहीं होगा। इतना बड़ा यहाँ में इस्टेब्लिशमेंट होगा, उसका ऑफिस में ऊपर में बड़ा सा बड़ा 20-30 रूम का ऑफिस बनाई है, माने बहुत लार्ज स्केल में, छोटा मोटा नहीं। निसी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस बोल के दूर दूर से दिखाई देना है सिविल सेक्रेटरी से, इसलिए उसको फाइनेंस करने वाला कोई भी पार्टी मिलेगा। देखिए वो पॉलिसी का बात है, मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपका देख लीजिए। तो उसमें निसी स्टूडेंट यूनियन का मेन ऑफिस, निसी का प्रोग्राम और बाकी जनजाति का भी सबका प्रोग्राम वहाँ अंशु लोग बनाते रहेंगे। कभी कभार ऐसे ग्राउंड चाहिए तो निकुम निया ग्राउंड, आईजी ग्राउंड जिंदाबाद है फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए। लेकिन आप ऐसा पॉलिसी ले हो कि ये ऑफिस भी बनेगा और जिंदगी भर चंदा मांगना भी जरूरी नहीं होगा। और वो दो आदमी बना के गया बोल के हम शॉर्ट में बता रहे, जरूरी होने से कल परसों दोबारा भाषण नहीं बोल के विस्तार में आके बैठक करेंगे। इसको प्रॉपर बना के निसी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस को दूर दूर तक इंडिया में जानने लो, फॉरेन में भी जानने लो। वहां में जब निसी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस फोटो में जाने से हाँ अंशु ऑफिस है, कुछ करो तो ज्यादा डबल हिट करो, नहीं तुम मत करो। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, हम जिंदा है। कभी भी कोई प्रोग्राम होगा अंशु वाला होगा, 24/7 दरवाजा खुला है, आइए। आज तो सिर्फ नाच गान करना है, पुर्तीबाजी करना है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। पाया लिंचो आची तमे पासन अलेजा तमसरकू गोबे ओके अलेजा बे रिकुंग कुनगाम ग्योपा को लगा बे पाया लिंचो सु गोयंग बे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आकु दोपा सोलो सॉन्ग बे तारो यंदा आप आए और आप अपना जो म्यूजिक है साउंड चेक करते रहिए। तब तक के लिए मैं एक छोटा सा समय लेना चाहूँगा। तो हमारा बीच हमारा एक बड़ा भैया है, वो भी एक हमारा निजी समाज का एक प्राइड है। मैं बुलाना चाहूँगा अच्छी नोबेल जामो DSP आप आइए और अंशु की तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है सर, आप आइए और आप दिल से स्वीकार कीजिए। उसके लिए मैं हमारा प्रेसिडेंट अच्छी नवाम दोधम आप प्लीज एक बार जोरदार तालियां अच्छी नोबेल जामो के लिए। थैंक यू वेरी मच अच्छी, और ये हम अंशु की ओर से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, एक बार जोरदार तालियां अच्छी नोबेल जामो के लिए। थैंक यू वेरी मच अच्छी। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अच्छी तना दो जी, फॉर्मर कन्वीनर अंशु, आप भी आए हैं अच्छी, आपके लिए भी एक छोटा सा वाइस प्रेसिडेंट अंशु। तालियां बजती रहनी चाहिए BSU। थैंक यू वेरी मच मिस्टर तारो यंदा, आप अपना समय ले लीजिएगा। चलिए एक बार जोरदार तालियां तारो यंदा के लिए।
इनवाइटी से वॉशरूम में हूँ चरहे का दोपन ला, उस साइड में है, अपना लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। अंकर मालो वाले पा आना जाना मालो वाले पा अभी कुछ ही तो दो बम जाते हो हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक Hello, check, check, hello, hello, 1, 2, 3, check, hello, check.
यू सो मच, जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू वेरी मच तारो यंदा, और पीछे में जो लोग हैं प्लीज आप सब आ जाइएगा। क्या प्रेसिडेंट अंशु की आवाज सुनना चाहोगे? अच्छी दोदुम की आवाज सुनना चाहोगे? हेलो उमरंग भाई, आ जा तो जितना बाहर है प्लीज अंदर आ जाइएगा। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अच्छी नाफाम दोदुम फॉर प्रेसिडेंटल स्पीच, एक बार जोर से तालियां। आतो चोचे अच्छी मामा ना तुम नाम पाया लिंचो मूल पोटी फाउंडेशन अंशु को सो कुकु सो आज कुकुगा अलग हुई डेथ एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर अच्छी कौमसी सिदुसु आप आया अंशु का एक बुलावा में आप प्रेजेंट किया, थैंक यू। वी डेथ अचितामे पासंग मेयर आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट अभी कई पानी अर्जुन न्याया गोलो अच्छी न्याया गोलो और कोयुंग ओल्ड फॉर्मर अंशु लीडर्स और अगर विद दैट माई स्पेशल थैंक्स टू द स्पेशल इन्वाइटीज ऑफ ओल सीबीओस पुनातापा प्रेसिडेंट अपने स्टूडेंट्स यूनियन कोच नीची जनरल सेक्रेटरी उर्गन डोरजी प्रेसिडेंट मोनपा स्टूडेंट्स यूनियन लेदा मरकपा जनरल सेक्रेटरी तदक पगवा प्रेसिडेंट तगिन स्टूडेंट्स यूनियन विजय दोबिन जनरल सेक्रेटरी तगिन स्टूडेंट्स यूनियन अतुल तासो प्रेसिडेंट अका हुरोसो स्टूडेंट्स यूनियन डेविड जीबिसो पोंगाई जामो प्रेसिडेंट वंचो स्टूडेंट्स यूनियन मोवांग कोमहा प्रेसिडेंट नोक्ते स्टूडेंट्स यूनियन चाओ मानिंग कांग्यो जनरल सेक्रेटरी ऑल ताई कामते स्टूडेंट्स यूनियन। और किसी का नाम भूल गया, किसी का नाम यहाँ में नहीं है तो उसको मेरा दिल से शुभी माई डी एस यू माई बी एस यू फ्रेंड्स कॉलेजेंस मीडिया फ्रेंड्स एंड कोऑपरेटर ऑफ कोर्स कोऑपरेटर्स ईटानगर आई एम सी के कोऑपरेटर्स और कोई मूल गए फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का जो भी रिलेटिव्स आया है गुलाम का पाया लिंग जो आज विटनेस करने के लिए आया है, ये वेलकम हो गया आप लोगों एज ए प्रेसिडेंट ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन से उसका टीम से। हैविंग सेड दैट एज यू नो यहाँ में सब लिखा हुआ है कि पोर्टेड फाउंडेशन डे आई एम 19 प्रेसिडेंट ऑफ ओल निशी स्टूडेंट्स यूनियन दिस एंड विद दैट ऑल्सो वी हैव इन्वाइटेड अची मामा नातुंग हु हैपेंस टू बी द मिनिस्टर और उसको दूसरा रीजन ये भी था कि हम लोग बुलाने का ही इज फ्रॉम द अची देरा नातुंग का फैमिली से बिलोंग करता है। आज अच्छी देरा नातों का जो इनिशिएटिव्स है और लाइक माइंडेड जितना भी अच्छी मामा नातों का तकाम संजय था ऑफ कोर्स अच्छी तमे पासंग आप लोग भी था जितना भी जो एक एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाया है कि एक एक, एक मिशन का साथ ओल निशी स्टूडेंट यूनियन को फॉर्मेशन किया है। आई एज ए 19 प्रेसिडेंट ऑफ ओल निशी स्टूडेंट यूनियन हम में भी कुछ कुछ खामियां हैं हम लोग को नहीं जानता है उसका मैसेज को भी आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसका क्या एम था उसको भी आपको सुनने के लिए बुलाया है। और दूसरा हम लोग का यहाँ में जितना भी सीईओस को यहाँ में बुलाने का रीजन है कि हम लोग का बायलॉज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि वी आर द प्रोन रनर ऑफ निशी। एक टाइम ऐसे था कि सिर्फ अंशु ही अंशु था उस टाइम में कोई निशी इलिट सोसाइटी नहीं था, निशी इलिट सोसाइटी बाद में आया है। यह हम यहाँ में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हम इसका बात उससे पहले आपका ओल निशी यूथ एसोसिएशन था वो भी सही से ट्रैक में नहीं आया बट जब अंशु फॉर्मेशन हुआ है मेरा नॉलेज में
Ansu became the premier leading organization in Nisi Samaj mein ye ekta. To is samaj ko, is organization ko leke aane mein Achi Dera Natung se leke abhi tak hamesha everyone says ki Ansu ka glory down hua hai, up hua hai. Ansu ka mera hisab se bolne se, jitna bhi bolne se, Ansu ka glory, ye platform ka glory kabhi down nahi hua hai. It is all because of leadership. Kabhi aage hota hai, kabhi piche hota hai. Kintu ye platform hamesha stable hai. One has intensity of Ansu. Mera hisab se hum isliye hum bulaya hai. Aur dusra, hamesha state government ko hum log blame karta hai ki state government, JDU to yahan mein nahi hua hai, kabhi Arunachal Congress hota hai. Various party aata hai. और आईसी की कोई भी स्टूडेंट लीडर जो भी आदमी हीरो बन जाते हैं सोशल मीडिया में, जब अगर आप पेमा खांडू और किरण रिजिजू और सारा सरकार को गाली देगा तो ऑटोमेटिकली आई विल तो क्या गाली देके ही सिर्फ क्या समाज को अपना सोशल मीडिया में अपना पेम फॉलोअर्स बनाना है क्या? तो नहीं, हम आज सोचा है कि वी शुड हैव राउंड टेबल डिस्कशन. तो आज उसका शुरुआत के लिए इसलिए अच्छी सीधों को भी नॉन इसी MLAs को बुलाया, आपका CBO फ्रेंड्स को भी इसलिए बुलाया है कि टुगेदर वी कैन लीड अरुणाचल प्रदेश. पेमा खांडू को ही हम लोग भरोसा करते रहेगा क्या? पेमा खांडू कितना साल चलाएगा? इससे पहले नाबम टुकी था, इससे पहले कालिको पुल था, कौन चलाएगा? यहाँ में अभी जितना भी देखा है, अच्छी तमें पासंग देखा है, हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट था अच्छी कम से सीधों को देखी हो आप, उस टाइम जब हम आपसू का एक्टिविस्ट था, वो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, और अच्छी मामा ना तुम भी कहीं ना कहीं आप था. क्या पता कल हम भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई हो सकता है. आप एक मोडलिटीज बनाना पड़ेगा, और मोडलिटीज एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा. आंसू प्रेसिडेंट बन गया, हमको लड़का लोग बहुत मारा है, हम जीत गया. ये आंसू प्रेसिडेंट का टेक को लेके हम तीन साल में ऐसे कैसे जाएगा? कुछ एक अच्छा शुरुआत करना पड़ेगा. मेरा हिसाब से ये एक अच्छा शुरुआत है, क्योंकि एनी टाइम हम लोग कम्युनल पोर्स एक दूसरे को गाली देता है. ऐसे कि निशी के लिए पैत करना तो जरूरी है, तो इतना कॉस्ट ऑफ तागिन गालो आदि को किसी को मार के नहीं जाना. मेरा कहने का ये मतलब है, कोई निशी का नाम से कोई लिखेगा निशी ऐसे है बोलने से गालो वाला रहता है, करता है गालो वाला आदि वाला को करते हैं, तो ये एक एटमोस्फियर क्रिएट हो जाता है कि तब जाके धीरे 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 करके एक कॉम्युनल कलर आता है, एक वो सेंस आता है. और उसको या में ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट भी है कि उसमें आग लगाने वाला हमेशा होता है. ये पार्टी में होता है, बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में होता है, तब जाके एक एक समाज में अनरेस्ट होता है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम निशी कोई बेच देता है, कोई निशी MLA को हम प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. जब हमने जैसे अंशु प्रेसिडेंट बन के आया, हम तो क्या किया ही नहीं आया जब अंशु प्रेसिडेंट, हम तो आशी फेलिक्स और आशी तबा तदर को ही नहीं छोड़ रहा है. आप लोग भी वो कैरेक्टर होना है. मेरा हिसाब से अपना समाज का गलती करता है तो अपना समाज को पहले ठीक करना है. हमारा निजी समाज में अगर सिस्टम रॉन्ग चल रहा है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MLA हो, चाहे ऑफिसर हो, हमको उसको प्रोटेक्ट नहीं करना है. डिग्निफाइड निजी वो होता है, चोर करने वाला को बचाना और उसके लिए खड़ा करना, दैट इज नॉट अ डिग्निफाइड निजी, दैट इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ आंसू. समाज का गंदगी को साफ करना है बोलने से अपना घर से शुरू करना पड़ेगा. It is not fight between Nisi and Galo. It is not fight between Nisi and Kamti. It is not fight between Nisi and Mompa. It is this time. ये time है fight करने का privilege और unprivileged group को. जो privilege, जो top level में बैठ के जो नीचे level को जो suck कर रहा है उसको fight करने का time है. और उसके लिए हम लोग pen और नाचन का concept में हम लोग सारा CVOs मिलके काम करना है. मेरा ये concept है. इसलिए आप लोगों को बुलाया, क्योंकि हम लोग यहाँ में बहुत सारा ऐसे होता है कि प्रोटेक्ट करना है तो अपना को ही प्रोटेक्ट करना है, गलत है तो क्यों प्रोटेक्ट करेगा? When I am the running the brand organization at Nisi, All Nisi Students Union, हमारा समाज में भी गंदगी है तो साफ तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. मेरा मेंटेलिटी वो है. और दूसरा, अगर उसको बात नहीं कर सकता है बोलने से, आप समाज का क्या लीडर बनेगा? ये जो जितना भी अभी नाम अच्छी देरा नातुंग का, न्योकुंग का, रेबिया का, अच्छी बेंगिया कापा का जितना नाम, वो तो ऐसे सपना नहीं देखा होगा ये आंसू का फॉर्मेशन में. ये समाज को ठीक करने के लोग सपना देखा है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक क्लान, एक कम्युनिटी का नाम से डिवाइड हो जाता है. आप लोग को भी कुछ प्रॉब्लम होता है, एक दूसरे को लोबिंग करना है. जैसे आप लोग को बुलाया, आप लोग का दिल को जानने के लिए बुलाया कि अंशु क्या सोचता है. एनी टाइम हमेशा मिसयूज होता है.
और ये टॉप लेवल में नीचे लेवल में पॉलिटिकल पार्टी जो मिसयूज करता है वो समाज को रिफॉर्मेशन करने के लिए नहीं करता है। आप लोग का सामने यहाँ में कोई पॉलिटिशियन भी है, कोई स्टूडेंट लीडर भी है, आप समाज को रिफॉर्मेशन करने के लिए ये लोग पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, अपना कुर्सी बचाने के लिए खेलता है। उसमें आप लोग कॉम्युनल कलर में आप लोग नहीं जाना है, अपना हिसाब अपना आइडेंटिटी होना है। मेरा तरफ से ये अपील करने के लिए आप लोग को हम बुलाया है। बरकाने वाला बरकाता है, तो इसमें क्यों बरतना है बीइंग ए सोशल ऑब्जर्वर। और दूसरा, ये जो आज हम बुलाया है मेरा जनरल सेक्रेटरी आप लोग को हम ये बोलता है कि आज जैसे शुरू किया है आप लोग भी, जैसे कि आप लोग का प्रोग्राम होता है, आप लोग का इंटरेस्ट, आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटरेस्ट होता है, आप लोग भी अंशु को कोई भी आज जैसे बोला ये शुरुआत को ये कंटिन्यूटी करना है, तब जाके एक समाज में ये करेगा। और एनी टाइम हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गाली देता है, एक पॉलिटिशियन को गाली देता है, मेरा तरफ से अभी हम एग्जैक्टली अपील करने का ये है कि टुगेदर व्हाट वी कैन डू, अंशु ऑल द कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है। हम लोग सिस्टम को इतना गाली देता है, एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहिए। हम भी सिस्टम को गंदा वाला सिस्टम से हम अंशु प्रेसिडेंट बन के आया है, पर बोतर को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके आया है, और नहीं होने से क्या पता हम आज अंशु प्रेसिडेंट भी नहीं बनना था। ये टाइम हम लोग ये कर सकता है कि एटलीस्ट हम अंशु प्रेसिडेंट तो ओके है, हम लोग ये बोलना चाहे कि से नो टू मनी कल्चर इन इलेक्शन, तब तो हम लोग शुरू करता है आज एक रिफॉर्मेशन, एक हम लोग एक रेजुलेशन लेता है, एक दिल से रेजुलेशन नहीं लेने से भी जितना सकेगा। अभी आप सो इलेक्शन में फिर मार्केट बनने जा रहा है, मछली बाजार बनने जा रहा है, सब सीवीओ को हम ये अपील करता है कि चलो मिलके अपना कम्युनिटी का जो भी हो, जो आप सो प्रेसिडेंट अंशु प्रेसिडेंट जो भी होगा, मनी कल्चर को हम लोग बंद करना है। ये लीडर कहाँ से आता है, ये हमारा समाज से तो निकलता है। ये अंशु में, ये आपसू में जैसे चलता है, ये कॉपरेटर में भी ऐसे चलता है, विधानसभा में भी ऐसे चलता है, दिस इज द रियलिटी। कौन शुरू करेगा, कौन बंद करेगा? यहाँ में अरुणाचल में क्रिश्चियन है, वो सही से रिफॉर्म करेगा बोलने से, चर्च वाला भी बदमाश करता है चर्च से निकलने का बात, मंदिर वाला भी मंदिर से निकल के बदमाश करता है। और हम यहाँ हम तो पर्सनली हम किसी से अभी तक इतना बहुत मार रहे पैसा नहीं लिया है, बट एज ए लीडर वी कैन ट्राई, और कोशिश नहीं करके बाद में बोलेगा कि सिस्टम ही गंदा है बोल के, एटलीस्ट अपना कम्युनिटी को दिस टाइम वी आर टारगेटिंग कि आपसो इलेक्शन में हमारा निशी जितना भी आरजीओ में है, नरिश में, हम लोग ये अपील करेगा कि एटलीस्ट एक स्टूडेंट इलेक्शन में तो पैसा तो मत लो, ये एक हम लोग करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा वाला आपसो प्रेसिडेंट मिलेगा। ये कोई बोलता नहीं है, माने कि लास्ट में कैंडिडेट दे ही देता है, कन्फर्मेशन के लिए आप होगा ले ही लो बोल के, वन है तो उसमें अपना प्रॉफिट को, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रहा है, इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग का फॉर्मर प्रेसिडेंट आज अचितामे पासंग आज ईटानगर का मेयर है, आप अंशु का नक्शा कदम को आप तय करके आया है, आज ईटानगर को क्लीन कैपिटल, ग्रीन कैपिटल, इन पार्टिकुलर ग्रीन अरुणाचल और क्लीन अरुणाचल इन अ जनरल, आज हम लोग बोलता है कि अच्छी मामा नातुंग को आज हम लोग बोलता है कि आपका जो गर्म सरेंडर अभियान जो आपको नेशनल वाइड आपको जो एक नेशनल लेवल में आपको जो एक ये मिला है, आइडेंटिटी मिला है, आपको जो अवार्ड मिला है गन सरेंडर अभियान के लिए, उसमें हम लोग एयरगन सरेंडर अभियान के लिए अंशु भी हमेशा साथ रहेगा। वही डेथ हम ओल्ड चीवियों को बोलता है कि क्लीन कैपिटल और ग्रीन कैपिटल और क्लीन अरुणाचल और ग्रीन अरुणाचल के लिए हम लोग मिलके साथ देना है। हमेशा निशी का आइडेंटिटी के लिए फाइट करते रहेगा, आदि का आइडेंटिटी के लिए फाइट करते रहेगा, बाकी तागिन मोम्पा के लिए फाइट करते रहेगा, तो अरुणाचल का प्रोग्रेसिव अरुणाचल के लिए तब तो कौन बात करेगा, सब अपना अपना इंटरेस्ट में बता हुआ है। आज मेरा बुलाने का यही रीजन था, मेरा इंटरेस्ट को अच्छी तमे पासंग बोल दिया, हम लोग का कहीं ना कहीं अगर शुरुआत करना है बोलने से, चलो एक दूसरा में ज्यादा फाइट नहीं करके एक दूसरा का आइडेंटिटी अपना एग्जिस्टेंस को ज्यादा प्रूव करने का दरकार नहीं, सबका अपना अपना जगह में स्टेबल है, सब डिग्निफाइड वे में सब ये है, चलो एक टाइम शुरू करता है लेकिन अरुणाचल के लिए। और इसके लिए हम बोलता है कि एज ए मेयर, एज ए आपका ऑनरेबल मिनिस्टर पोरेस डब्ल्यू आर डी यूथ अफेयर्स और अच्छी कौनसी सी दोस्तों को बोलता है कि गवर्नमेंट को आप लोग भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है,
आप लोग उसको देखिएगा, मैसेज पहुंचाइएगा। और दूसरा, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी जेन्युइन वाला इशू है, हम सरकार को यही बोलता है कि आप सही से रिड्रेस कर दो। हमेशा बोलता है कि बंद कल्चर ठीक नहीं, बंद कल्चर ठीक नहीं। यहाँ में कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बंद कल्चर करने दिल नहीं होता है। जब सरकार सही से आंसू या कोई भी सीवियोस कोई आपसू का इशू को रिड्रेस नहीं करने से, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ओनली हम लोग सड़क में आता है। और दूसरा इजी वे में, अभी हम जैसे अभी देखा गया और ये योविन स्टूडेंट्स यूनियन को ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, कितना दिन से जेल में है, 6 मंथ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। जैसे आंसू है वो भी योविन स्टूडेंट्स यूनियन है, गालो स्टूडेंट्स यूनियन है, वो सब है, उसको भी मिलके हम लोग अगर कहीं ना कहीं अगर गलत है तो हम लोग बात नहीं करेगा, सही होने से वो भी जेल से निकालना चाहिए। और इतना ही है। और बाकी जो अभी तक जो मेरा आंसू प्रेसिडेंट का टेन्योर में, हम बहुत आराम से बात करें, मेरा आंसू प्रेसिडेंट का टेन्योर में अभी जितना भी बाकी जो आप लोग आया है आप लोग को बता देगा, हम लोग का ऑलमोस्ट इशू जो ऑलमोस्ट हम लोग का जितना भी इशू है, जितना भी 14 पॉइंट था एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्मेशन करने के लिए था, हम लोग का हो गया। और निहारिका राय मैम भी हो यहाँ से, ये जो एजुकेशन कमिश्नर था वो चला गया। हम लोग इसलिए प्रेस ब्रीफिंग हम लोग नहीं किया है कि आंसू का डिमांड तो डेफिनेटली सक्सेस हुआ है, किंतु आंसू का एक प्रेस ब्रीफिंग से सरकार का डिग्निटी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का डिग्निटी लो नहीं होना है बोल के, इसलिए हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इट हैज टू फेल, कि उसमें हम ये प्रूफ करने का दरकार नहीं है कि आंसू किया है, आंसू को करने से ऐसे होगा, दोबारा ऐसे बोलने का दरकार नहीं हो, चला गया, इसलिए हम प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया है। क्योंकि वो डिग्निटी का एक जो भी वो हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, अगर कल को आप निकाल के बोलता, बहुत एरोगेंस से बोलता, देखा ये सरकार हमसे हार गया, बोलने से कहीं ना कहीं गलत हो गया, है तो मेरा ही सरकार। किंतु जब जब अगर ऐसे इशू होगा, प्रेस ब्रीफिंग नहीं करने से बिफोर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा फाइट करेगा। और विद दिस हम होप करता है कि आज जितना भी सीरियस मेरा स्टूडेंट फ्रेंड्स जो आया है, जो कोऑपरेटर्स जितना भी आया है, और जितना मेरा कॉलेजन मीडिया फ्रेंड्स जो आया है, बीएसयू डीएसयू मलंग है आज गुगा, हम लोग ऐसे ही ये चीज़ को आगे ले जाने के लिए हम कोशिश करेगा। आज एक न्यू बिगनिंग है फॉर द बेटर और नाचर, यही है पाया लेक्चर। लोकसभा जितो प्रेसिडेंट गोबे पायलिंग चो अच्छी दो दम सो गोयों बे श्री अबो तारिंगला तो गाना हम गा जितो। आफ्टर दैट वी हैव अ स्पीच बाय गेस्ट ऑफ ऑनर, उनके बाद एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहेगा, आफ्टर दैट स्पीच बाय चीफ गेस्ट एंड आफ्टर दैट बोथ ऑफ थैंक्स फॉलोड बाय लंच होगा। प्रोग्राम कुछ ही देर में खत्म होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा अबो तारिंगला तो अगला प्रोग्राम पे चलते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अच्छी कुमसी सिदुसो गेस्ट ऑफ ऑनर आज का, तो आज आप आए और आज के इस पोर्टिस फाउंडेशन डे में आप भी दो शब्द आपकी तरफ से हम आंसू की ओर को रख दीजिएगा। प्लीज एक बार जोर से तालियां अच्छी कम से सीधे शो के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो मैं एड्रेस नहीं करने से पहले, सब जो है भारत माता की जगह में सब बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं जब भारत माता की जब बोलेंगे सब बोलिए कि जिंदाबाद भारत माता के, भारत माता के। उसके बाद अभी अरुणाचल प्रदेश में हम किस जगह में बैठा है वो तो लॉन्ग लिव तो होना पड़ेगा ना, इसलिए उसको भी 3 बार बोलेंगे आप लोग, लॉन्ग लिव दिल से बोलना है, दिल से। नीचे में जितना बैठा हुआ है या ऊपर में जितना बैठा हुआ है
दिल से बोलना। अंशु अंशु अंशु, थैंक यू, धन्यवाद। आज के 40 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई ऑनरेबल मिनिस्टर WRD स्पोर्ट्स एंड यूनिफ्यूज इंडियन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ऑनरेबल MLA संता जो के जो निकल चुके हैं और ऑनरेबल मायोर कम फॉर्मर प्रेसिडेंट अंशु बरबे तामे पासंग जी एंड हिज टीम कॉर्पोरेटिव ऑफ ईटानगर नाहरलगुन रिस्पेक्टेड अंशु प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी एंड ऑल द सबऑर्डिनेट एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ अंशु एंड प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर्स ऑफ अंशु respected all the community based student organizations president general secretary of Arunachal Pradesh and my dear students and media friends to aaj 40 foundation day celebration mein mujhe up mukhya atithi ke roop mein हमारा दोदुम भाई और रिकम भाई और दोनों का टीम जो अंशु जो बुलाया है इसलिए दोनों को लेते हुए दोनों का जो टीम्स है जो इस बार 2020 से लेके जो 34 का जितने भी जो टीम है आप सभी लोगों ने मुझे याद किया बुलाया उसके लिए आप सभी लोगों को मैं मेरा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेगा और सभी को पता नहीं होगा मैं 2009 23 अक्टूबर अरुणाचल प्रदेश में इस असेंबली में इस मंदिर में एक लेजिस्लेटर के रूप में आया एक MLA के रूप में आया तो उससे पहले हम क्या था उसको अब सभी लोगों को हम जानने देने का मैं संक्षिप्त में बताना चाहेगा उसको जो है आप दिमाग से नहीं सोचना दिल से सोचना जब आप दिमाग से सोचेगा बहुत जल्दी भूल जाएगा जब आप दिल से सोचेगा बिल्कुल नहीं भूलेगा तो इसलिए हम आज यहां इस मंच पर थ्री टाइमर होकर जो एक एज अ लेजिस्लेचर एक ग्रुप में जो बात कर रहा है तो मैं 2009 से पहले मैं अपना कम्युनिटी जैसे कि हमारा अतुल भाई और हमारा डेविड भाई जो प्रेसिडेंट और GS को आप लोगों ने याद करके यहाँ बुलाया तो उन दोनों के साथ में अरुणाचल प्रदेश में मेजर ट्राइब जो है 26 है सब मेजर ट्राइब जो है लगभग 125-30 है तो उस बीच में जगह जगह हर कमिटी से जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बुलाया है तो उसको बोलता है हमारा अंशु तो आकाश स्टूडेंट यूनियन जो यहाँ आए हुए हैं यहाँ जो रिप्रेजेंट किए हैं तो उस समय आज से कम 20-25 साल पहले हमने अंशु का प्रेसिडेंट बन के काम नहीं किया हमने ऐसे अंशु का वाइस प्रेसिडेंट करके हमारा भाई भी छोटा छोटा था हमारा समाज इतना जागृति नहीं था तो उसी समय हमने एज ए वाइस प्रेसिडेंट बनकर हमने आकाश सिंह को 7 साल चलाया दिल से काम किया दिल से ना उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते हमने हाई सेकेंडरी में भी GS किया कॉलेज में
उस जमाने में आज से 20 साल पहले हम कमिंग ब्रदर्स जो ईस्ट कमिंग वेस्ट कमिंग तवांग उस जमाने में एक ही कॉलेज हुआ करता था। तो उस समय कॉलेज का जीएस इलेक्शन का टाइम आने से बाप रे एमएलए जैसे खेल होता है वो चीज होता था। तो वही चीज को मैंने सोचा नहीं अगर हर साल ये कॉलेज इलेक्शन एक साल तो होता है हर साल अगर इस तरह का यहाँ गाना होते रहेंगे इस तरह से कहानी बनते रहेंगे तो ये जो है कॉलेज का पढ़ाई जो है घर पर पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसको ध्यान नजर रखते हुए तो उसी समय मैंने तवांग वेस्ट कमिंग ईस्ट कमिंग वही एक कॉलेज में जो है रोटेशन सिस्टम किया करता था। उसी समय रोटेशन सिस्टम करके उस समय ईस्ट कमिंग का तान आ गया ईस्ट कमिंग से जीएस वहां में बना के आएगा तवांग का तान आया तवांग में जीएस वहां से बना के आएगा वेस्ट कमिंग का तान आया वेस्ट कमिंग में बना के बनाएगा। तो उसी तरह जब उसी समय इस तरह से कॉलेज का इलेक्शन इस तरह से रोटेशन किया जाता था लेकिन आज का दिन ये सब होने का कारण से उधर सपा में भी कॉलेज हो गया बोमजा में हो गया आज का दिन में कोई भी जगड़ा फेगड़ा वहां नहीं होगी। तो उसी तरह सिस्टम को धीरे धीरे चेंज किया जाना चाहिए हम सबको। तो इसलिए आज आप सबका बीच में जो आया जो है मैं वेस्ट कमिंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर आपसू का साथ में चलते रहा चलते रहा चलते रहा। जब आपसू में फिर वेस्ट कमिंग स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट छोड़ने का बाद आपसू में विजिलेंस सेल का चेयरमैन रहा फिर चलते गया चलते गया चलते गया जाते जाते अच्छा कर्म कम करने से अच्छा धर्म मिला है। तो उसी तरह आज जितना भी सीढ़ियों से आज सभी को पता है हिंदुस्तान हमारा देश जो है 133 करोड़ 125 करोड़ जो हमारा देश में है इसमें लगभग 64% जो है हमारा देश में युवा है यूथ्स है। तो उसी तरह हमारा अरुणाचल प्रदेश में हम लगभग 14 लाख पॉपुलेशन है। तो उस 14 लाख पॉपुलेशन में सबसे बड़ा मेजर ट्राइब वो जो है हमारा। तो इसलिए हम निशी हमारे बड़े माँ हमारे बड़े पिताजी भाई और हमारा बड़े भाई तामे पासंग जी ने जिस तरह से जिगर किया है आप लोग आंसू का प्रेसिडेंट दौदम भाई ने जिस तरह से जिगर किया है अगर सब अरुणाचल ये 14 लाख पॉपुलेशन जो है मेजर ट्राइब 26 मेजर ट्राइब्स हैं माइनर ट्राइब्स 125 टू 30 जैसे हैं अगर हम सबका विचार जो अगर एक साथ होता तो हम ये 14 लाख पॉपुलेशन कैसा नहीं बदल सकता है। तो इसलिए आज अंशु में अच्छा विजिलर लीडर हमारा दौदम भाई हमारा रिकम भाई उन दोनों का जितना भी एजुकेटेड मेंबर्स है अभी तक तो हम इंटरेक्ट नहीं हुआ उन लोगों का साथ उन दोनों के साथ में जो रहीम भाई है तो टीम इतना अच्छा एक बन चुका है इतना अपना हृदय से अपना दिल से भाई ने एक संक्षिप्त एक रिक्वेस्ट एक अपील्स एक प्रस्ताव जो सीरियस को जो रखा है। तो अगर ये जो एकजुट होकर
वो जो है एपेक्स बॉडी अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, अगर सीबीओस अगर इस सोच में लेकर आपसू में ये प्रस्ताव रखकर ये आपसू में यही काम करना शुरू करने से कैसा अरुणाचल नहीं बदलेगा मेरा दोस्तों, पक्का बदलेगा। कैसा नहीं बदले, बदलेगा। इसलिए इस मंच से हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा निशी समाज अरुणाचल प्रदेश में 7 डिस्ट्रिक्ट, 12 जात, 12 पॉपुलेशन होने का नाते अरुणाचल प्रदेश को बदलाव के लिए सबसे पहले थोड़ा पहले दो दिन भाई बोला जैसे इस तरह का लेके लीड करिए। अच्छा एक पॉजिटिविटी इस बारे में तमिल भाषण जी ने कहा, हर एक आदमी का एक पॉजिटिविटी माइंड सेट हो जाएगा तो बदल नहीं सकेगा ना। आप हर समय हर वक्त जब आप अच्छा से पढ़ते हैं लिखते हैं आपका नॉलेज आपका माइंड में सेट होने वाला कौन खरीद सकेगा, जितना लाख दो करोड़ दो कौन खरीद सकेगा। इसलिए हर एक मेरा जो स्टूडेंट्स आपका माइंड में ये सेट करिए कि आपका माइंड में एक पॉजिटिविटी अच्छा एक डिस्ट्रक्टिव में नहीं सोचकर कंस्ट्रक्टिव में सोचिए काम करिए। और आज सभी को पता है बोलने वाला बोलते रहेंगे करने वाला करते रहेंगे। एक अच्छा ईटानगर नाहरलगुन मयूर मारे भाई ताई पासिंग जी के जितने भी कॉर्पोरेट से इतना अच्छा काम कर रहा है, विकास के लिए काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेके चल रहा है, उसका ऊपर भी खराब में बोलने से तब तो वो आदमी को क्या बोलेगा। अब सोच के देखिए अब एक पिलर है स्टेट का, एक पिलर एज अ होल कंट्री का। इसलिए आज हमारा सरकार अरुणाचल प्रदेश 14 लाख का सभी लोग चाहता नेता और चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी रात दिन नहीं सो रहे हैं, 3 मंथ्स हो गया दौड़ रहा है और उसका सबॉर्डिनेट ऑल द काउंसिल मिनिस्टर्स ऑल द लेजिस्लेचर्स काम तो जोर से कर रहा है, लेके चल रहा है सबको। तभी भी हो खराब है तो यही चीज को जो है माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट लीडर्स आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि थोड़ा पहले आपका मन से जो बात निकलने वाला को लीड करिए, उस लीड करने में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर आओ मामा जी हम कहीं भी हो ये मैसेज पक्का हमारा चीफ मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर्स विद इन लेजिस्लेचर उसे बात करके जितने जो सकेगा भरपूर मदद करने के लिए सब चाहेगा। इसलिए दोस्तों मेरा कहानी थोड़ा संक्षिप्त में जो बताया है तो आज भी उसी चीज को बार बार नहीं दोहराना चाहेगा, लेकिन मेरा लाइफ जो है कोई माँ पिताजी इतना बिजनेस करके इतना पॉलिटिक्स खेल के हमको वो बना के नहीं है। मेरे पिताजी एक छोटा सा एक एएसएम फार्मर था, अच्छा कर्म करने के कारण से थोड़ा पहले हम मिला बोला जैसे धर्म मिला। अच्छा काम करिए चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपसू हो, चाहे अंशु हो, चाहे सीबीओस हो, ये जगह ये मंच में एक दिन आप सब आएगा। जिस दिन आप ये पोजीशन में आके पहुंचेगा उसी समय आपका पीछे पीढ़ी जो आने वाला जो पीछे जो फॉलोअर्स है तो इस तरह से काम करेंगे तो आप भी उस वक्त बहुत दिल में दुख लगेगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए लोगों के लिए इतना जब सोचने का बात करने का बावजूद भी आज इतना ही बोलते रहता है तो ये सब क्या है। अंदर का बात को बातों से सोल्यूशन किया जाता है, अंदर की बात को जो भी प्रॉब्लम आता है तो राउंड टेबल में बैठ के मीटिंग करिए, बैठ के बातें करिए, शेयर करिए। इंसान जो इस धरती में एक बार ही जन्म लेके आया, हम 2 बार जन्म नहीं लेने वाला, 3 बार जन्म नहीं लेने वाला है। इसलिए ऐसा एक काम करके जाना है कि हमारा दोदुम भाई हमारा रिकम भाई उन दोनों जो टीम से आज इतना सुंदर से
जो 40 फाउंडेशन डे में बुलाकर जिस तरह से जो बताया है, अगर ये चीज हुआ है तो आज के दिन में ये विश्वास हम रखेंगे और जितना भी जो सुन रहा है ये सोशल मीडिया का तुम जो सुन रहा है आज का दिन में रिकम भाई और दोदुम भाई का लीडरशिप में ये हुआ हम विश्वास रख के चलेंगे। इसलिए आज जब भी हो बड़े भाई तमिम पासंग जी हमारा जिया जी जिस तरह से ये अंशु ऑफिस को उन्होंने बाउंड्री वॉल ऑफिस जितने भी जो स्टार्ट किए हैं हमारे बड़े भाई विजय और जो बड़े भाई तमिम पासंग कहता ये तकम सोजे जी का नाम जो लिया है तो उसी तरह आज इस अंशु इस एरिया को डेवलपमेंट करने में घर बनाने में जगह को देख करके जाने में हमारे बड़े भाई हमारा दयानाथ एक्स मिनिस्टर लेट श्री दयानाथ जी का टॉर्च बेरियर में आप लोग को ये दिन देख गया हुआ है। तो इसी तरह आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में जितने भी मिनिस्टर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम तो यही आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सिर्फ अंशु ही बोल के अकेला नहीं है, आओ मामा जी हैं, बड़े भाई फ्लिक्स हैं, बड़े भाई तादिर हैं और चलते था बड़े भाई हाई माफी थोड़ा पहले निकल गया और जितने भी लेजिस्लेचर हैं उन लोग का साथ में बात करके कहीं कहीं जगह में उनका पास पहुँच भी नहीं पाता है तो हमको ही बोलिए जो चीज हम भी मैसेज दे पाएगा पक्का देंगे उसके लिए विश्वास रखिए पक्का देंगे हम। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी हालत से भी हो अरुणाचल को टिक करने के लिए अरुणाचल का विकास के लिए काम करने के लिए हम सब जो मिलकर काम करना है। तो इसलिए इस अंशु ऑफिस को बनाने में जिस दिन दोदुम भाई और रिकम भाई उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर जब शुरू करेंगे तो उसी समय हम 1000 सीमेंट बैग हम उठा के यहाँ पहुंचाएंगे क्योंकि हम की तरफ पहले बता दें 12 साल तो स्विम ऑर्गेनाइजेशन में रह गया मेरा 43 इयर्स में 27 इयर्स तो यही ऑर्गेनाइजेशन में रह गया। इसलिए फिर दोबारा रिपीट करता हूं 1000 सीमेंट रिकम भाई दोदुम भाई बोल दीजिए ट्रक का साथ हम लोड करके लेके आएंगे ये जगह में। तो मैं इतना ही कहेगा कि हर चीज जो है बातों से सोल्यूशन होता है, हर चीज जो है दिल से सोल्यूशन होता है, हर चीज जो है एक दूसरे को कंधे से कंधे मिला के चलना है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद अंशु, जय हिंद हिमाचल। थैंक यू वेरी मच अच्छे कौमसी सिद्धू सर और थैंक यू वेरी मच अच्छे कौमसी सिद्धू सर और अच्छे कौमसी सिद्धू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू वेरी मच अगेन अच्छे। उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा तवा मेकिया जी को, आप आए और एक गीत प्रस्तुत कर दीजिए। आप जब तक आप टेक्नीशियन टीम को मिलाते रहेंगे तब तक मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। तो हमारा बीच एक छूट गया जो लेट आए हैं हमारे जो बड़े भाई हैं अचित तनी लोपा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंशु, आप आए और उनसे मैं जी एस अंशु से चाहूँगा कि आप उन्हें एक टोकन ऑफ लव अचितानी लोपा प्लीज ये हमारे अंशु टीम की ओर से आपको एक टोकन ऑफ लव आप दिल से स्वीकार कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां अचितानी लोपा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंशु। उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा आची आदर निकलर फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी अंशु, आप भी आए आची और ये हम अंशु टीम की ओर से आपके लिए भी एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, जोर जोर तालियां। थैंक यू अच्छी और साउंड रेडी हो गया।
ठीक है, एक बार जोर जोर तालियां दबा में क्या के लिए। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। I'm not afraid.
एक बार जोरदार तालियां प्लीज पीछे वाला लोग। थैंक यू तमाम मैके जी। और हमारा दो ही प्रोग्राम बच चुके हैं, सिर्फ दो ही एजेंडा। उनसे पहले मैं ऊपर में जितने हैं सब आ जाइए प्लीज, ऊपर में जितना लोग हैं प्लीज आप नीचे आ जाइए, पैंडल पे आ जाइएगा। उसी के साथ मैं सबको बता दूं, इस प्रोग्राम के बाद आप सभी के लिए लंच है, तो बिना खाए मत जाइएगा। आज की इस पोर्टिव फाउंडेशन डे अवसर पर आप सब अपना भोजन ग्रहण करके ही जाइएगा। आपके लिए मिथुन घट के रखा है, तो आप जरूर मिथुन मीत खा के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। उससे पहले मैं चीफ गेस्ट को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा नीचे में जितना है आप सब एक बार करे हो जाइए, हम सब बेते बेते बोर हो चुके हैं, तो उसी करे के साथ हम हमारा अची मामा नातुंग जी को वेलकम करना चाहेंगे। आप डाइस पे आइए प्लीज, सब करे हो जाइए पीछे वाला लोग। थैंक यू वेरी मच अची, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप, जो जो बाहर में है अच्छी एक गान गाएगा। अगर मेरा गान को जो सुनना चाहता है तो सब बाहर में जो भी घूम रहा है वो अंदर आके बैठ जाइए। अगर मिस करना चाहता है तो वो आपके बात है। तो आज 40 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन के आज इस स्थापना दिवस में मंच पे उपस्थित हमारे छोटे भाई, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भाई कुमसी सिरिसो जी, मंच पे उपस्थित हमारे सीनियर और यहाँ के आईएमसी की ऑनरेबल मेयर और फॉर्मर प्रेसिडेंट अंशु भी रहा 1994 टू 1995, उन दिनों में वो प्रेसिडेंट था ब्रा भाई तमे पासन जी, दोस देश आई वाज द आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी। तो उस समय सपा में इस कमी में चुनाव हुआ और काफी इस मंच में इस अंशु के यात्रा में अच्छे मामा भी और बड़ा भाई तमे पासन के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में काफी हम लोगों ने भी काम किया और साथ में उनके पूरे टीम यहाँ के कॉरपोरेटर ईटानगर जितने भी उपस्थित और साथ में ग्लेक्सिस ऑफ द फॉर्मर अंशु प्रेसिडेंट, फॉर्मर अंशु जनरल सेक्रेटरी या हमारा सीनियर लीडर फॉर्मर एमएलए भी रहा अंशु जनरल सेक्रेटरी या हमारा तानी लोफा साहब भी उपस्थित है और हमारा भाई जितने भी भाई पांजान उस सब का नाम
और मेंशन नहीं किया बोल के खराब नहीं पाना, सभी उपस्थित एट द ग्लैक्सिस ऑफ द फॉर्मर अंशु प्रेसिडेंट सिटी 3 एंड यहाँ के हमारे जो अंशु के प्रेसिडेंट भाई नाबम गौतम के टीम और सेक्रेटरी आपने बहुत ही अच्छा किया। यही है युवा का सोच, यही है न्यू इंडिया एंड न्यू अरुणाचल का सोच। आपने पहले बार पूरे पैन अरुणाचल जितने भी सीबीओ स्टूडेंट लीडर को आपने पूरा बड़े भाई जिसे तमे पासन जी ने मेंशन किया कि तवंग से लेकर लॉन्डिन तक आपने पूरा स्टूडेंट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उन सभी स्टूडेंट लीडर का जो कम्युनिटी स्टूडेंट लीडर का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया, ये बहुत ही अच्छा और ये एक नया सोच है, नया विचार है एंड न्यू अरुणाचल। ये विचारधारा अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा पिछले बहुत सा अंशु प्रेसिडेंट अंशु का प्लेटफॉर्म में ऐसा इस प्रकार का कंसेप्ट मैंने देखा नहीं है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका जो टीम को, साथ में हमारे जितने भी मीडिया फ्रेंड्स जो आप लोगों ने काफी हमारा प्रदेश के हर कोने कोने तक जो आपने इसको कैरी करने का आज का जो स्थापना दिवस को, आप सभी को भी मैं आज के दिन नाम मेंशन करते हुए और ये बड़ा भाई ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के नाम जीरो में जब नामकरण हुआ, अरुणाचल प्रदेश जब नेफा से अरुणाचल प्रदेश का नाम हुआ वो अभी 50 इयर्स हो गया। उन दिनों में अपना सिर्फ 5 बेसन था, 5 डिस्ट्रिक्ट था, कामेंग, सबमसरी, लोहित, इराप, इस प्रकार का 5 डिस्ट्रिक्ट रहा उन दिनों में। अनडिवाइडेड अरुणाचल काफी डिस्ट्रिक्ट उस समय में डिवाइड नहीं हुआ। उसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सरकार ने इस बार जीरो में हम लोगों ने करके आया और ये हर वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में और लोहित में ऐसे करके हम लोग फरवरी तक इसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। आज अंशु की यात्रा 40 साल हो गया और आप लोगों ने प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी ने अच्छा मेंशन किया आपका स्पीच में कि लेट बड़ा भाई डेरा ना तो हूं वो अंशु के फाउंडर रहा, उसको इस शुरुआत से लेके आज तक 40 इयर्स हो चुके हैं। मैं इस मंच से आपके आज की 40 फाउंडेशन डे इसी मंच से जितने भी जो लेट डेरा से लेकर अभी आपके टीम तक जितने भी अंशु फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनके पूरे एजुकेटिव मेंबर को मैं हृदय से मैं सलूट करता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सोसाइटी के लिए समाज के लिए आप लोगों ने काफी काम किया, समाज को बनाने में, समाज को निर्माण करने में, समाज को मजबूत बनाने में काफी योगदान दिया और उसमें से मैं त्रिवेंद्र पहले बताया मैं भी हूं आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी रहा, मैंने भी काफी है खूब मैंने भी म्यूजिक बजाया, गेतर बजाया, हारमोनियम बजाया, बड़ा भाई तो अभी बोल रहा था आप तो सारा म्यूजिक आप ही बजाते थे उन दिनों में 1994-95 का बात बता रहा हूं मैं। लेकिन अभी का टीम का दोनों का टीम आप लोग अच्छा टीम है, हमने देखा है कि आप जैसे आप लोग का एग्जीक्यूटिव आप लोग इलेक्शन होने के साथ साथ आपने कोरोना में कोरोना का महामारी तो अभी भी चल रहा है
क्या क्या पैदा हो रहा है, क्या डेल्टा वायरस क्या पैदा और एक पैदा कर दिया ओमिक्रॉन वायरस, कोरोना भी जन्म देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, देते जा रहा कितना पैदा करेगा कोरोना भी। लेकिन हम लोग भी डरने वाला नहीं है कोरोना से, पैदा करते रहो, कोरोना को प्यार करो, वैक्सीनेशन से मारो। तो इसी कोरोना महामारी में आपके पूरे टीम ने बड़ा भाई ऑनरेबल मेयर के साथ कॉरपोरेटर के साथ आपने जिस हिसाब से जो अपना राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में सोशल काम करने में आपने जो योगदान दिया वो बहुत ही तारीफ का काम किया। साथ में मैंने सोशल मीडिया में भी ये भी देखा कि जो वायरल ग्राउंड है उसमें पर्सनली आप लोगों ने जाके यहाँ का IMC यहाँ का कॉरपोरेटर के साथ मेयर के साथ इस प्रकार का जो सोशल काम कर रहा है जो आपने किया, यही समाज का काम, यही स्टूडेंट यूनियन आपका टीम ने इस प्रकार का जो काम किया रैली, ये बहुत ही तारीफ और ये धन्यवाद देना है इसको, मैं देता हूँ हृदय से, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये है सोशल काम, ये स्टूडेंट यूनियन का काम, समाज का दुख में सोसाइटी का तकलीफ में आगे बढ़ के सरकार का साथ, यहाँ का IMC का साथ, मेयर का साथ, कॉरपोरेटर का साथ, कोई भी समुदाय हो, चाहे निसी नहीं होने से कोई भी समुदाय हो, हमारे युवा निसी स्टूडेंट यूनियन कोई भी दुख तकलीफ में इस प्रदेश का कोई भी समुदाय हो साथ देना है, अच्छा काम है, अच्छा काम हमेशा आगे बढ़ना है, अच्छा काम में साथ देना है। आपने पूरा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया, आपका कंसेप्ट को बताया कि अरुणाचल में ऐसा ऐसा जो चीजें हैं किस प्रकार से उसको हम लोग दूर किया जाए। हमारा चुनाव में आपसू का चुनाव अभी सामने में है, चुनाव में जिस प्रकार से इतना पैसा खर्च होते हैं इसको हम सब मिलकर कैसा दूर किया जाए, ये प्रेसिडेंट ने मेंशन किया, ये दुखद का बात है। ये सोच ये विचार आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा विचार, और सब विचार सोचना नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, अमल भी करना है। आप लोग, हम तो सीधा बोलते हैं, आप लोग को मालूम है कि अचय मामा तो सीधा सीधे और सीधा बोलता है। अभी हमारा स्टूडेंट लीडर स्टूडेंट का चुनाव में, आपका आपसू का चुनाव में, आंसू का चुनाव में, कोई भी स्टूडेंट का चुनाव में इस प्रकार का अगर मनी कल्चर इन्वॉल्व करते रहेगा, खर्च होते रहेगा, इस प्रकार होते रहेगा तो आगे भविष्य में कैसा होगा। आप लोग कर मत पाइए, अभी जो चुनाव में जो पैसा देता, अभी तो सबसे हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ने वाला ही पैसा लेना शुरू करेगा वोट मारने के लिए अपना स्टूडेंट नेता को, तो गांव वाला क्या होगा, हम गांव वाला का क्या होगा बताइए, जो हमको वोट मारते हैं वो तो सीधा बोलते हैं, अरे स्टूडेंट वही लेता पढ़ने लेंगे वाला, हम लोग क्यों नहीं लेगा, हाँ पहले पढ़ाई लिखाई वाला को भी समझाओ। मेरा कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन शुरू कहां से होना है, हमारा पढ़ने लिखने वाला आप लोग एजुकेटेड लोगों से शुरू होना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल, ये आपका दायित्व है, अच्छा सोचा है। रैली में हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इतना अच्छा सोच, और इसके लिए मैं आंसू का टीम, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आपका टीम को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का आपने अच्छा किया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को NES का साथ, AITF का साथ आप ऐसा काम करिए, उनको बिता के एक रिजोल्यूशन बनाइए, आप लोग ऐसा एक रिजोल्यूशन बनाइए कि इस बार
चुनाव में स्टूडेंट चुनाव में कहीं पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप सब हम सब आगे आएंगे, आगे आके लोगों को सच्चा चीज को अच्छा चीज को बताएगा तू कैसे नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, लोग को बताना पड़ेगा चीज को। पैन और ना चल, देखिए अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। अभी मैं वैसे मेरा आज का जो अंशु का टीम को आप लोगों में ब्लेम, हम कुछ कुछ सास को बोलता है या कुछ भाई लोग सोचता है अच्छे मामा तू क्या गाली खुला करता क्या बोलता है, ये नहीं। ये चीज हमेशा कोई भी प्रदेश का समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, चाहे नीसी हो चाहे गालो हो आदि हो, अब जितना भी है 100 से अधिक जो समुदाय है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट यूनियन, हमको एक मन में हम सबको एक सोच होना होगा कि माँ अरुणाचल, माँ अरुणाचल, अरुणाचल मेरा माँ है। चाहे आप कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कहीं भी कोई भी यूनियन का हो, इस प्रकार का विचार ओनरशिप रेस्पॉन्सिबल और ओनरशिप, इस विचार को हर समुदाय का लोग मन में लेके चलना होगा, खास करके युवा पीढ़ी। एक जात एक कलर से सुंदर नहीं हो सकता, आप बताइए या में ये पेंडल में कितना कितना कलर लगा हुआ है, एक कलर से कहीं सुंदर नहीं हो सकता, एक कलर से कहीं मजबूत नहीं हो सकता। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए हम सब मिलकर सरकार के साथ, खास करके वी आर वेरी लकी, अरुणाचल प्रदेश का लोग, हम लोग बहुत ही लकी है कि वी हैव अ यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री, और वो यूथ का पल्स को समझते हैं, उसका विजन है ये प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है, कैसे डेवलप करना है। ऐसा विचार का साथ, ऐसा सोच का साथ, विजनरी का साथ हम सब प्रदेश के जितने भी युवा, खास करके हम सब मजबूत के साथ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ में, विचारधारा के साथ हम इस प्रदेश का विकास के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। मिलकर हमको आपस में प्रेम भावना भाईचारा, अच्छा काम में एकजुट होकर सरकार के साथ देख के। हाँ, ये बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट में कोई भी स्टूडेंट कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के लिए अगर कहीं सरकार उसको नहीं सुनता है, सरकार उसके लिए एजुकेशन के लिए कहीं काम नहीं कर रहा है, हम लोग को बताइए, आपके कम्युनिटी के नेता हम यहां हैं, हम सब गवर्नमेंट में हम लोग जितने भी मिनिस्टर हैं, हम लोग को विधायक है, बताइए कि देखो इस जगह में ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, जरूर करेंगे। ऐसा कहीं सरकार में भी भूल चूक भी होने से भी हम लोग को बताइए, फीडबैक दीजिए, मिलकर अपना जो मंत्र है टीम अरुणाचल, टीम अरुणाचल में सिर्फ इलेक्टेड वाला नहीं, सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ नहीं, उसमें गांव वालों से लेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक सब टीम अरुणाचल के सदस्य हैं, सब मेंबर हैं। आप लोग देखा देखे होंगे कि जिस दिन से जब से अपना सरकार या में सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम बताने का दरकार नहीं है, अरुणाचल प्रदेश कितना चेंजेस आया, डेवलपमेंट में कितना चेंजेस आया, आप लोग बताइए। हाईवे देखिए, रेलवे पहुंच गया, एयरवे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हर डिस्ट्रिक्ट में है, पूरा अभी उसका ऑपरेशन चालू हो गया, फ्लाइट चलना शुरू हो गया। डिजिटल देखिए, हर गांव में आज टावर है। ये रास्ता देखिए, ये ओलोंगी टू ये रास्ता बाईपास देखिए, किस प्रकार का जो चेंजेस हो रहा है। और मैं खास करके अपना कम्युनिटी का लीडर
स्टूडेंट का जो आज का प्लेटफॉर्म में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और अपना एनईएस का मेंबर को भी मैं हमेशा कहीं बैठने से बैठक होने से हम डिस्कस करते हैं कि उतना दिन पेंडिंग था जो होज टू पोटिन आपका जो ये करांदी करोंक में वो रास्ता कितना साल से पेंडिंग था अपने से आई सरकार आने के बाद अभी उसका फॉर्मेशन खत्म होने वाला चालू हो गया इस कमी में दिखिए अभी उन दिनों में 8-9 घंटा लगता था यहां में अभी हम 4 घंटा में पहुंच रहे 3.5 घंटा कितना डेवलपमेंट का चेंजेस हो रहा है विकास कितना हो रहा है इस प्रकार का इसी में साथ और सहयोग अच्छा चीज में और हमें पूरा विश्वास है कि अभी का टीम अभी का जो लीडर हमारा भाई गौतम और गौरा निकम के नेतृत्व में जरूर अच्छा विकास के साथ अच्छा विचार के साथ और मजबूत के साथ नया सोच नया विचार को लेते हुए इस प्रदेश को मजबूत बनाने में आगे काम करने में हर समुदाय के लेकर सरकार के साथ भी देखे तो आगे हम लोग काम करेंगे हमको पूरा विश्वास है और साथ में इतना समय नहीं लेते हुए एजुकेशन सेक्टर दिस इज द ईयर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हम हर सेक्टर को हर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो कहां से आएगा एजुकेशन से होके आएगा हमारे लोग पढ़ना होगा लिखना होगा अच्छा स्कूल हमारा अच्छा टीचर इस बार आप लोग देखे होंगे कि जिस हिसाब से जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गोल्डन जुबली ईयर में एक एक स्कूल हम लोगों ने शुरू किया सरकार ने कि उसको अच्छा मॉडल स्कूल बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में हर चुनाव क्षेत्र में ये कैबिनेट ने इस बार जीरो में कैबिनेट में निर्णय हुआ आप लोग जहां एजुकेशन सेक्टर में जहां कमी है जरूर हम लोग सरकार उसके लिए जरूर काम करेंगे हर क्षेत्र में तो साथ साथ में मैं आपका पूरे टीम को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि और इतना ही नहीं और एक बात मेंशन करना चाहेगा कि अपना कोई भी समुदाय को युवा पीढ़ी अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत ही कल्चरल रिच है इतना डाइवर्सिटी है प्रदेश का जो नेचर कल्चर एंड एडवेंचर युवा लोग धीरे धीरे अपना परंपरा संस्कृति को भूलते जा रहा है उसको ध्यान में रखिए अपना जो आइडेंटिटी है चाहे कोई भी समुदाय का हो चाहे निशी हो आदि हो गालो हो अपातनी हो कोई भी हो आका हो मिजी हो अपना कल्चर अपना लैंग्वेज अपना संस्कृति को बिल्कुल कोने नहीं देना है युवा लोग उसको हम सब मिलकर प्रदेश का सुंदर इसी कल्चर अपना आइडेंटिटी अपना लैंग्वेज को हम सब मिलकर बचाना है इसको स्टूडेंट कम्युनिटी इसको भी आप अवेयरनेस देते जाइए साथ साथ में कहीं भी जाते हैं इसको अवेयरनेस दीजिए और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का दिन डीएन कॉलेज में लास्ट टाइम प्रेसिडेंट भाई दौदम से भी हम लोग काफी ऐसे डिस्कस किया कि डीएन कॉलेज में सबसे ईटानगर का हर डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा ईटानगर में बैठने वाला डीएन कॉलेज में ही पढ़ाई होता है क्यों ऐसा ना करें हम लोग को बोलता है बात भी सही है कोई कोई हम लोग दूसरा समाज का कहना भी सही है इस प्रदेश में सबसे बड़ा समाज में बोलेगा तो निसी है मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका घर में अपना घर में 4 बेटा होगा 5 बेटा होगा जिस घर में वो 5 बेटा ये सबसे बड़ा भाई अभी सबसे समुदाय में से हम लोग निसी बड़ा है हम लोग बड़ा भाई ओ बड़ा भाई ही 4 भाई को सुबह को भी मारेगा शाम को भी मारेगा गाली गोला देते रहेगा क्या ये 4 भाई प्यार करेगा ना अगेंस्ट करेगा बताओ हाँ ये तो बोलेगा ये बड़ा भाई गाली देते रहता है मारपीट करते थे क्या भाई है
कौन प्यार करेगा? इसलिए हम लोग बड़ा समाज है, निशी बड़ा अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़ा समुदाय में से है, हम लोग का विचार बड़ा होना है, प्यार बड़ा होना है, सोच बड़ा होना है। इसके साथ साथ क्यों ना डीएन कॉलेज को सब समुदाय का लोग वहां पढ़ते हैं, मैं प्रेसिडेंट साहब को और उनके पूरे टीम को और एनएस का प्रेसिडेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको हम लोग अंशु, खास करके अंशु आज का दिन में उसको एडॉप्ट करें डीएन कॉलेज को, ताकि इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट से कभी फंडिंग में कभी कमी करती, वो गवर्नमेंट सरकार का तरफ से तो देते रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि जितने भी निसी लेजिस्लेचर, जितना भी निसी एमएल, ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो, बिजनेस कम्युनिटी से हो, ऑफिसर से हो, हम प्रत्येक साल को उस कॉलेज के लिए 30-40 लाख का धनराशि हम हर साल रखें, ताकि उसमें मेंटेनेंस हो, क्लास का एक्सटेंशन हो, वहां पढ़ने लिखने वालों को दिक्कत ना हो। आज का दिन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डीएन कॉलेज को हम लोग आज एडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए साथ में लेट बड़ा भाई देरा नतुम उनके नाम पे है, नंबर वन। नंबर टू, वो ईएमआरएस स्कूल को आप लोगों को बताता है, ईएमआरएस स्कूल अरुणाचल प्रदेश में दो है, एक लुमला में है, एक बाना में है, जिसमें से 98% क्लास 10 का पास आउट होता है। उस स्कूल को सर्वे करने के लिए यहां से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरा नारलगन से, वो उसको सर्वे करने के लिए, जगह को दिखने के लिए जाते समय शीशा में वो ध्यान हुआ, क्रॉस हुआ। तो ये मेरा आज का प्रेसिडेंट से कितनी आपका फाउंडेशन डे में मेरा एक रिक्वेस्ट रहा, और इसको पूरा विश्वास है कि एक उसका मॉडलिटी बना के हम उसको एडॉप्ट करके फार्म किस प्रकार से हम लोग ड्राइव करना है प्रत्येक साल में, ये हम लोग बड़ा बड़ा विचार के साथ इसको हम लोग काम करना, ताकि सभी लोग, सभी प्रदेश के लोग, सभी प्रदेश के लोग भी जाने, हाँ निशी लोग ने एक कॉलेज को एडॉप्ट किया। ऑनरशिप, देखिए ये कैपिटल, कैपिटल को भी कोई भी समुदाय का हो, कैपिटल में टिकी बोला ग्रीन अरुणाचल, क्लीन अरुणाचल, ग्रीन कैपिटल ईटानगर, ग्रीन कैपिटल, क्लीन कैपिटल, ग्रीन कैपिटल, इस कंसेप्ट को लेके या ऑनरेबल मेयर साहब भी उपस्थित है, हम सब मिलकर इसको भी एक मॉडलिटी बना के उसका प्लांटेशन, प्लांटेशन ड्राइव एंड उसको साफ करने का जो क्लीनेस है, सफाई अभियान, उसको भी लेकर हम लोग सोशल सर्विस सेक्टर सेक्टर में, मैं ऑनरेबल मेयर साहब को अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक प्रोग्राम बनाइए, जितने भी अपना यहाँ का अंशु का टीम और जितना स्टूडेंट यूनियन जो यहाँ में ईटानगर में जो बसे हुए, हम सब मिलकर आपका साथ जरूर देंगे और ईटानगर को हम लोग सबसे क्लीन वाला हम लोग कैपिटल बनाएंगे, ईटानगर एंड नारलगन को प्लांटेशन साथ। और आप लोग को मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट साहब, आप अभी से आज का दिन से शुरू कीजिए कि जितना जो आपका जो जन्म दिवस है, जैसे आज का 40 ईयर्स फाउंडेशन डे, इसी प्रकार हम जितना उपस्थित है, हम सभी का जन्मदिन में, जन्म दिवस में ऐसा एक हम लोग क्यों ना करें कि हम अपना जन्म दिवस में कम से कम 5-5 पौधा लगाए। 5 पौधा तो लगा सकता है, आपका जन्म दिवस में आप केक काटते हैं, हाँ फूर्ति करने के बाद में चलो मेरा जन्मदिन में हमने 5 पेड़ लगा दिया, ये काम हम कर सकते हैं। तो मैं युवा लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लांटेशन में भी आप बिल्कुल साल भर महीना में 10-20 लगाने का आपको अगर मन में इच्छा नहीं है, तो जन्म दिवस में 5 पौधा तो लगाइए। हम सर बोलने से नहीं होगा, ग्रीन अरुणाचल, ग्रीन ईटानगर बोलने से नहीं होगा, हम उसको अमल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करने से वो फ्यूचर में दिखाई देगा।
और मैं साथ साथ में यहां से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मंच से भी पूरे प्रदेश अंडर द गाइडेंस एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक मेरा विभाग से हमारा ऑनरेबल एडवाइजर कोंगशी शिदिशो हम दोनों के विभाग से हम लोगों ने एआर गन सरेंडर अभियान शुरू किया, जिसमें से सिर्फ एआर गन ही नहीं लाइसेंस गन को भी सरेंडर किया और नेक को भी सरेंडर कर रहे हैं। उसको हमारा अरुणाचल के लोग हमारा लोग चीज को वैल्यू को समझा कि एनवायरमेंट इको बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस किस प्रकार से जो सरकार ने जो कदम उठा रही है अच्छा काम है बोल के पूरा प्रदेश का लोग ने योगदान दे रहा जन भागीदारी बना के। मैं इस मंच से भी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें से प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया और साथ साथ में ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आज का दिन से ऐसा एक संकल्प लीजिए जितने भी उपस्थित स्टूडेंट्स फ्रेंड आज का दिन से आप लोग भी मन बनाइए हम जंगल में नहीं गाएंगे, ये भी आप संकल्प ले लीजिए। और कॉरपोरेटर लोग आपसे भी आप सभी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आप लोग को ये एक बात बताना चाहता हूं कि वेस्ट कामिंग में दिरंग में तासी सिरिंग बोल के एक लड़का है, तासी सिरिंग ने एक संकल्प लिया कि मेरा जिंदगी में हम 50,000 पौधा डालेगा प्लांटेशन करेगा 50,000 जिसमें से अभी तक वो 25,000 डाल चुका है दिरंग में। इस प्रकार का क्यों हम ना करें, हम भी डाल सकता है, हम भी प्लांटेशन कर सकता है। तो ये सब अच्छा चीज को अच्छा कंसेप्ट को हम सब मिलकर एकजुट होकर हम लोग को काम करना होगा। तो इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में हमको पूरा विश्वास है कि जितना हो सके स्टूडेंट यूनियन का लीडर आप लोग एजुकेशन में स्ट्रेस दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा आईएएस पास हो, ज्यादा से ज्यादा आईपीएस पास हो इस प्रदेश से। इस प्रकार का विचार को लेकर पूरे स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट से कितनी ये मंत्र को लेके आगे आप लोग काम कीजिए। आने वाला में हम लोग का अभी का सरकार अभी का गवर्नमेंट में कोई प्रकार का डेवलपमेंट में एजुकेशन से हर सेक्टर में हम लोग कहीं आप लोग देख रहा होगा कि कहीं हम लोग कमी बिल्कुल, उसके लिए हम लोग सुबह शाम मंथन करते हैं चिंता करता है पॉलिसी बना रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ये आप देख रहा होगा कि इस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड वेलफेयर गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस आप लोग देखे होंगे कि इतना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल एमएलए जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह में जाकर लोगों तक पूछताछ करके जो काम करने वाला ऐसा सरकार आप लोग शायद कभी नहीं दिखाओगे। हम लोग सरकार आपकी द्वार हम लोगों तक जाकर चीज को खुद मॉनिटर करते पूछता है सुनता है। तो इसी दो चार सब के साथ इसके मजबूत के साथ हमारा जितने भी स्टूडेंट यूनियन आंसू को खास करके हमारा जो निशी कम्युनिटी का जो स्टूडेंट यूनियन है और आपका जो टीम अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम में सरकार भी हमेशा साथ में हम लोग डेवलपमेंट में कहीं विकास में हम लोग दो कदम पीछे नहीं रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ आप लोगों ने 40वां स्थापना दिवस में हमें भी बुलाया या एज ए नॉट एज ए गेस्ट ऑफ द चीफ गेस्ट बट आई फील आई एम द पार्ट ऑफ योर आंसू। हम भी एक आंसू का फॉर्मर एक लीडर रहा और ये शब्द को खत्म नहीं करने से पहले मैं और एक बात आप लोग से विनती करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या मंत्र देते हैं कि सोच बदलो तू देश बदलेगा, सोच बदलो तू अरुणाचल प्रदेश बदलेगा। हमारा अच्छा सोच अच्छा विचार नेगेटिविटी को हम कमती रखकर पॉजिटिव विचार को साथ आगे लेके हम लोग समाज के लिए काम करने का ये मंत्र को लेके आगे बढ़ना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पूरे टीम को आंसू के कन्वीनर या ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आपके पूरे टीम को मैं आंतरिक हृदय से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा वाणी यही विराम लेता हूं। थैंक यू
जय हिंद, जय अरुणाचल, जय अंशु। नहीं अच्छे का तो अभी इसी में हमारा समझिए, हमारा भाषण भी हो गया, गान भी हो गया। और एक चीज हम भूल गया, देखिए प्रेसिडेंट अंशु ने उनका टीम ने आज ऑफिस बनाने के लिए हमारा जो माननीय ऑनरेबल मेयर साहब ने भी कहा कि ऑफिस बनाने के लिए एक अच्छा ऑफिस बनाइए। हाँ अच्छा ऑफिस बनाइए, उसका सीमेंट तो हमारा भाई कुमसी साहब ने अनाउंस कर दिया, जितना स्टील लगेगा चाहे दो गाड़ी हो, तीन गाड़ी हो, पांच गाड़ी हो, जब से आपका बिल्डिंग का जब शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, सारा स्टील हम दे देंगे, हम देगा। और आप जब शुरू करते समय हमको एक आप एस्टिमेट दीजिए कि 12 mm इतना चाहिए, 10 mm इतना चाहिए, ये रोड इतना चाहिए, बाकी पार्ट नहीं। हाँ बाकी पार्ट नहीं, सिर्फ हम रोड देगा स्टील। तो यही है हमारा, आप लोग को हम मेरा आप लोगों आप लोग अच्छा से सुना नहीं होगा, हमने गान भी गाया, भाषण भी दिया, उसको ध्यान पायलिंग चो आची मामा एक बार गुजर जा सभी अभिष्ट जो आची मामा को बैं आची मामा ना तुम बजा तो कोई उन बैंगो टाइम आने को नाते ने मूल बीच या बंग आपको दोपा आची नमो आने को गुप्ते ने नो आने को हाज लबे आची पासंग सीमी ओसी इटानगर आची पासंग सीमी आप आइए और हम अंशु की ओर से आपके लिए एक चौथा सा टोकन उपलब्ध है इस फाउंडेशन पोट्री फाउंडेशन डे के अवसर पर, आप दिल से स्वागत स्वीकार कीजिएगा। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा जी एस अंशु आप प्लीज प्रेषित कर दीजिएगा। एक बार जोर जोर तालियां अति पासन सीमी के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, सब अपने जीवन लगा तालियां अच्छी सब तो सब अधिक में दोपहर है। थैंक यू वेरी मच अच्छी। वी गोइंग वेयर, वी आर इन द लास्ट एंड ऑफ प्रोग्राम। इससे पहले मैं सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपके लिए घर खाना पका के रख दिया है, आप जैसे भी लंच करके जाइएगा आप सब। और मैं बहुत ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगा फाइनेंस सेक्रेटरी अंशु मिस्टर तम मालो, आप आए और आज इस प्रोग्राम की ओपनिंग सेक्रेटरी, और आप बहुत ऑफ थैंक्स जितने आए हैं उन सभी के ऊपर बोल दीजिएगा। Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all house present here. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this 40th Foundation Day celebration of all the institution to all the dignitaries present over here. First of all, I would like to thank our today's chief guest, Sri Achimama Natong, Honorable Minister, Youth Affairs, Forest and Climate Change, Government of Arunachal Pradesh. And secondly, I'd like to also thanks today's our guest of honor, Achi Kumsi Jitiso, sir, Honorable MLA, come advisor to Environment and Climate Change. And also I'd like to thank Honorable Mayor Achi Tame Pasang and his team, all the corporators, Capital Complex. And also I'd like to thank all the dignitaries like CBO's clan-based
organization who present over here, all Apatani Student Union, all Galo Student Union, and all Wang Chau Student Union, all Mumbai Student Union, all Taken Student Union, etc. Also, I will thank all the former President, General Secretary of all Nisi Student Union. And also thanks all the President, General Secretary of different District Student Union. And also, I will thank Branch Student Union of all Nisi Student Union. And all the General Secretary of different colleges and different universities of Arunachal Pradesh. And cultural troops and media fraternities. Last but not the least, our beloved audience for making this 40th Foundation Day of All Nisi Student Union a grand success. Isi ka beech mein hum is 40th Foundation Day of All Nisi Student Union ka organizing committee ki or se agar kuch kamiya aap log mein se kuch mehsus hua to hame maaf kijiye aur jitna bhi जो बाहर से इनवाइटेड जो सीबीओस आया है हमारे टीम आंसु का इनवाइट को मान के आप यहाँ आने वाला को आप सबको वंस अगेन दिल से धन्यवाद टीम आंसु के ओर से। और लास्टली तीन बार हम बोलेगा आप लोग तीन बार फॉलो कीजिए, ये हम अपना निशी से बोलेगा तो जिमान गागनिशन अब हम बरनो गोमेंगे तो दो मुतो दो मुतो थैंक यू एवरीवन माया लिंचो अच्छे दोपहर है।